हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लड्डू गोपाल जी को ये सुंदर सी पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adiculturalworld268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए येलो कलर के अस्तर के फैब्रिक में से 2 पीसेस कट कर लिए हैं। मैंने ये अस्तर का कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि ये प्योर कॉटन होता है, साथ ही साथ बहुत पतला भी होता है। आप देख सकते हैं ये आर पार ऐसे छलकता भी है और कॉटन की वजह से कान्हा जी के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक भी रहता है गर्मियों में। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कान्हा जी को गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के कपड़े से बनी हुई ड्रेसेस ही पहनाऊं। पर अगर आपके पास अस्तर का फैब्रिक नहीं हो या फिर कॉटन का कपड़ा ना हो तो आप इसकी जगह पर रेयन, टफेटा सिल्क, चंदेरी कोई भी कपड़ा यूज़ करके बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो देखिए, इसको जब हम मेज़र करते हैं तो कपड़े की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है और कपड़े की जो टोटल चौड़ाई है वो भी मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। हमने एकदम चौकोर पीस कट कर लिया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने दोनों ही पीसेस का मेज़रमेंट एकदम बराबर रखा है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हम रखेंगे फैब्रिक को और यहाँ नीचे दो तरफ से हमें डबल फोल्ड करना है। तो देखिए, ऐसे पतला सा पहले हम एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है दोनों ही पीसेस में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन दोनों पीसेस में यहाँ नीचे की तरफ से यहाँ तक डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और ऊपर के दोनों तरफ से हमने इसको वैसे ही छोड़ दिया है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो मैंने ये येलो कलर की थ्रेड लेस ले ली है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। जब भी मैं कॉटन के फैब्रिक से कोई भी ड्रेस बनाती हूँ तो उसमें थ्रेड लेस या फिर पॉम्पॉम लेस का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इन दोनों ही लेसेस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है कॉटन के फैब्रिक के साथ। पर अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी येलो कलर की लेस यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जिस भी कलर के फैब्रिक से ये ड्रेस बना रहे हैं उससे मैचिंग की लेस लगा लें। अब देखिए, जिधर से हमने डबल फोल्ड किया है ना, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से ये लेस लगा लेनी है दोनों ही पीसेस में। दोनों पीसेस में लेस भी हमने लगा ली है। मैं आपको बता दूं, लेस लगाना ऑप्शनल है। आप चाहें तो लेस लगा कर ये ड्रेस बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई भी लेस ना हो तो बिना लेस लगाए भी आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। तो पहले देखिए, एक प्लेट हम डालेंगे एकदम बीचों बीच से। इस तरीके से इसको फोल्ड करना है हमें और फोल्ड करने के बाद यहाँ सेंटर में ऐसे इसको रखना है। फिर यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिलाई लगा कर जॉइंट कर लेंगे। इधर की तरफ से हमने देखिए प्लेट डालते हुए सिलाई लगा ली। अब ये जो दूसरी वाली साइड है इधर से भी हमें प्लेट डालनी है। तो पहले सेंटर से ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे और ये बीच में देखिए जहाँ पे हम पहली वाली प्लेट इधर से लेके गए थे वहीं पे हमें ये दूसरी प्लेट भी इधर की तरफ से ले जानी है और एक के ऊपर एक रखते हुए यहाँ से सिलाई लगा कर हम दूसरी प्लेट भी जॉइंट कर लेंगे। दोनों ही पीसेस में हमने देखिए प्लेट्स डालते हुए सिलाई लगा ली है। अब यहाँ ऊपर की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे कट करके फिर बराबर कर लेंगे। अब हमें इन दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक करके रखना है बीच में से और देखिए 1 इंच नीचे तक हम सिलाई लगाकर इन दोनों पीसेस को जॉइंट कर लेंगे। दोनों पीसेस को जॉइंट करने के बाद अब हमें इसमें बेल्ट लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको कमर की टोटल चौड़ाई बता देती हूँ। तो जब हम इसको मेज़र करते हैं तो देखिए कमर की जो टोटल चौड़ाई है वो 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने फिर से देखिए ये कॉटन के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की टोटल चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कमर की जितनी टोटल चौड़ाई होगी उसे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है। तो कमर की टोटल चौड़ाई 3.5 इंच थी, इसीलिए हमने ये जो बेल्ट कट किया है इसकी टोटल चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है। अब हमें इसको दोनों तरफ से एक बार सिर्फ ऐसे फोल्ड करना है, फिर ऐसे हम कमर पे इसको रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर जॉइंट कर लेंगे।
सिलाई लगा के हमने देखिए बेल्ट ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें बेल्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और ये जो धोती हमने बनाई है इसको हम पलटकर पीछे की तरफ से रखेंगे। अब हमें इसमें डोरी लगानी है, तो मैंने ये गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी ले ली है। अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अब हमें इसको ऐसे रखना है और सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से एक बार बेल्ट को फोल्ड करेंगे, फिर हमें एक बार और बेल्ट को फोल्ड करना है और ये जो हमने प्लेट्स डालते हुए सिलाई लगाई है इसके ऊपर हम रखेंगे बेल्ट को फोल्ड करते हुए। फिर एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर हमें बेल्ट जॉइंट कर लेनी है। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ से ही हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे ना तो ये जो हमने डोरी लगाई है ये भी जॉइंट हो जाएगी, फिर इधर उधर खिसकेगी नहीं, इसीलिए एकदम नीचे से सिलाई लगाएं। चोली बनाने के लिए हमने देखिए फिर से येलो कलर के कॉटन के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो मैंने 6 इंच यानी कि 6 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच यानी कि 2 इंच रखी है। अब हमें ऊपर से एक बार इसको फोल्ड करना है और ऐसे हम सेंटर में लेके आएंगे, फिर नीचे की तरफ से भी हम इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे सेंटर में लेके जाएंगे। दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद अब हमें फिर से बीच में से भी यानी कि सेंटर से भी ऐसे एक बार फोल्ड करना है और एकदम बराबर करते हुए हम एक के ऊपर एक करके रखेंगे, फिर सिलाई लगाकर पट्टी तैयार कर लेंगे। सिलाई लगा के हमने देखिए पट्टी तैयार कर ली है। अब हमें फिर से ये येलो कलर की लेस लेनी है जो कि हमने धोती में भी लगाई थी और यहाँ से यहाँ तक हम ये वाली लेस लगा लेंगे। ऊपर की तरफ से हमें थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, इस तरीके से एकदम ऊपर करते हुए हम लेस नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर लेस लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा के इस पे लेस भी लगा लिया है। अब हम इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखेंगे और बीच में से हमें ऐसे एक बार पहले फोल्ड करना है, फिर हम एक बार और इसको फोल्ड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें इसमें धोती जॉइंट करनी है, तो हम धोती भी ले लेंगे और एकदम बीचों बीच में इस तरीके से रखते हुए यहाँ से सिलाई लगाकर हम चोली को धोती में जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।